और अहम खबर ये भी है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद आवाम के लिए एक और परेशानी। पेट्रोलियम डीलर्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने हुकूमत से मार्जिन 6% करने का मुतालबा कर दिया है। पेट्रोलियम डीलर्स ने मुतालबात पूरे न होने पर 1 जुलाई से मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान भी किया है। नुमाइंदा 92 न्यूज़ राना तारिक से मजीद अहवाल जान लेते हैं। राना तारिक बताएगा पेट्रोलियम डीलर्स की जानिब से क्या मुतालबात किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद आवाम के लिए एक और बड़ी परेशानी है कि पेट्रोलियम डीलर्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने हुकूमत से मार्जिन 6% करने का मुतालबा बाजाबत तौर पर कर दिया है। डीलर्स ने मुतालबात पूरे ना होने पर 1 जुलाई से मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान किया है। महंगाई में इजाफे के बाद ऑपरेटिंग अखराजात में 50% और प्रोडक्ट कीमतों में गुज़श्ता 6 माह में 100% जो है वो इजाफा किया गया हुआ है। महंगाई, महंगी बिजली और लॉजिस्टिक चार्ज में इजाफे के बावजूद ऑयल मार्केटिंग कंपनी को फी लीटर 3.68 रुपये मार्जिन मिल रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर टर्नओवर टैक्स 0.5% पर मौजूद है, पर मौजूदा सूरत हाल में नुकसानी की जरूरत है। बिजली की बढ़ती हुई कीमतों और लॉजिस्टिक अखराजात में इजाफे पर कंपनियों को मामला चलाने में वही का सामना है। मौजूदा हुकूमत ने 1 जून से मार्जिन में इजाफे की यकीन दहानी करवाई थी। ये कहना है ऑयल मार्केटिंग कंपनी का, अपने मुतालबात पेश करने के लिए वजीर पेट्रोलियम से मुलाकात के लिए कोशिश कर रहे हैं। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का कहना है कि अगर वजीर पेट्रोलियम मुलाकात का वक्त नहीं देते तो हम इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर होंगे। शुक्रिया आपका राना तारिक।